उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दलित युवती से कथित गैंगरेप और मौत मामले की जांच सीबीआई कर रही है। हाथरस कांड के बाद जहां कानून व्यवस्था पर कड़े सवाल उठ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हर कोई यही सवाल कर रहा है कि आखिर देश में बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी। इस मुद्दे पर एक्ट्रेस श्वेता बासु प्रसाद ने भी अपनी राय रखी है, आइए देखते हैं। या किस तरह की चिंता करती है कि हमारा देश और हमारे युवा किस तरफ जा रहे हैं, क्या मल्टीपल विचार होते हैं? देखिए, अगर मैं खुश हो जाऊं कि मैं सेफ हूं, ये तो काफी सेल्फिश सा थॉट होगा। मैं चाहूंगी कि मेरी जितनी भी बहनें हैं, जितनी भी औरतें हैं इस देश की, वो सब, चाहे वो जिस भी बैकग्राउंड से आए, जिस भी सो कॉल्ड कास्ट, सो कॉल्ड रिलीजन से आए, आई थिंक सब किसी ना किसी की बेटी है, किसी की बीवी, किसी की बहन है, और सबका अधिकार है एक नॉर्मल लाइफ लीड करने का, एक खुश लाइफ लीड करने का। और ऐसा घिनौना क्राइम आई डोंट थिंक किसी के साथ भी होना चाहिए। और यही कहना चाहूंगी कि आई थिंक हमारे लॉ को थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर ये कोई करता है तो उसे ऐसा सबक सिखाया जाए ताकि अगला करने से पहले 10 बार सोचे कि ये नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक ये बहुत जरूरी है, और ये अगर होना शुरू हो जाए थोड़ा सा, हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में तो पहले भी सुना था, और मैं, माफ कीजिएगा अगर मैं गलत बोल रही हूँ, तो मैं उतना, मैंने कैसा लॉ है वो फॉलो नहीं किया, लेकिन जितना सुनती हूँ, जितना पढ़ती हूँ, उसमें यही पता चलता है कि काफी डिले हो जाता है। और उसकी वजह से मुझे लगता है कि फास्ट हो जाना चाहिए, और एक सोसाइटी में एक एग्जाम्पल होना चाहिए कि अगर आप ये करें, कोई भी क्राइम करें, आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी भी इंसान को, इंसान तो छोड़िए, आप किसी जानवर, किसी पशु को भी आप हार्म नहीं पहुंचा सकते, आपको पेड़ या फूल तोड़ने का भी अधिकार नहीं है, राइट? तो मुझे ये लगता है कि आपको किसी को हर्ट करने का अधिकार है, और ऐसा घिनौना क्राइम जिसके साथ भी होता है, उनके लिए तो ऑफकोर्स आई कैन ओनली फील बैड। और जो ये कर रहे हैं, मतलब उनकी अपब्रिंगिंग, उनकी फैमिली के बारे में सोचती हूँ कि कैसे माँ बाप है, क्या सिखाया है इन लोगों को, कुछ सिखाया है नहीं। और बस यही कहना चाहूंगी कि सबक मिले तो शायद अगला नहीं करेगा। आई थिंक एज अ सोसाइटी हम जब भी जनरलाइज करते हैं तो अच्छा नहीं है। हम औरतों को जनरलाइज करते हैं, मर्दों को जनरलाइज करते हैं, हम किसी किसी कास्ट को, किसी स्टेट को, एक टाइप के लोगों को जनरलाइज करते हैं। उसी तरह से मुझे लगता है बॉलीवुड और क्रिकेट काफी सॉफ्ट टारगेट्स हो जाते हैं, कि वो एकदम ट्रांसपेरेंट होते हैं। मैं एक आउटसाइड हूँ, और इस साल मेरे 5 रिलीजेस हैं, मेरा कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, मैं तो बड़ी हुई हूँ यहाँ पर। मैंने विशाल भारद्वाज जी के साथ मुखड़ी की है, शबाना आजमी के साथ, नागेश कुकुनूर जी के साथ, मैंने नसीरुद्दीन शाह के साथ, इकबाल के अभिनेत्री सुधीर मिश्रा के साथ फिल्म आई, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ, मैंने हमेशा अच्छे लोगों के साथ काम किया। और मेरी परिवार की भी एक्चुअली हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं उन्हीं लोगों के साथ जुड़ू जो अच्छे हैं, अच्छे टीम्स हैं। और हमारी इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे फैमिली से आते हैं, एजुकेटेड फैमिली से आते हैं, सिनेमा से प्यार करते हैं। मैं तो पर्सनली ऐसे लोगों से जुड़ती हूँ जो सिनेमा से प्यार करते हैं। और जनरलाइज नहीं करना चाहिए, मैं कोई इस पर विशेष कमेंट्स तो नहीं देना चाहूंगी क्योंकि ये काफी वाइड टॉपिक है, लेकिन यही कहूंगी कि इतनी बुरी जगह नहीं है यार, और मेरे काफी दोस्त हैं, मेरे लिए तो मेरा एक्सटेंडेड फैमिली है मेरी इंडस्ट्री। और अच्छे बुरे लोग हर जगह, आई एम श्योर आपके स्कूल में भी थे, आपके फ्रेंड सर्कल में भी एक दो अच्छे बुरे लोग होंगे, आपके परिवार में होंगे, आपके ऑफिस में होंगे, लेकिन उसकी वजह से आप पूरे ऑफिस को थोड़ी ना बोलते हो कि पूरा ऑफिस ही बेकार है। तो बस यही है कि आप जनरलाइज ना करें। बॉलीवुड में मेरे जैसे, हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे फैमिली से, एजुकेटेड, पैशनेट, ड्रिवन लोग आते हैं जो हार्डवर्क करना चाहते हैं। मैं भी आउटसाइडर हूँ, और आप ही ने देखा है जिस साल मेरे 5 प्रोजेक्ट रिलीज हुए, तो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। बाकी आप लोग समझदार हैं, मैं तो ऑडियंस को बहुत इंटेलिजेंट मानती हूँ, और आप समझदार हैं, आप जैसा ठीक समझें।